इसी के साथ साथ एक और एक चीज जानना चाहेंगे. वेल, हम आए थे यहाँ पर आपकी और राखी और यू नो आपकी शर्लिन की, राश्री की और आदिल की FIR को लेकर, जो एक्शन नहीं लिया जा रहा है और अभी तक का खुले में यू नो राखी घूम रही है. सो इसके इस मुद्दे पर थोड़ी सी बात करेंगे, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मेरा FIR तो 14th को ही हुआ, 14th अक्टूबर को. और FIR की प्रक्रिया ऐसी होती है कि आप जो एविडेंस भी देते हो उसको भी एक तरीका होता है, सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती है. तो हमारे एविडेंसेस को उसमें पेन ड्राइव वगैरह में देना था, तो उसमें थोड़ा सा डिले हुआ और बीच में दशहरा फेस्टिवल आ गया. तो टेक्निकली मेरा FIR हुए बहुत वक्त नहीं हुआ, 15 दिन से भी कम हुए हैं, 14th से लेकर आज 26 तारीख, और 15 दिन में 10 दिन का तो त्यौहार ही आ गया. सो आई वुडंट बी टू हेस्टी इन कंप्लेनिंग अबाउट इट. मेरे मैटर में मुझे इतना पता है कि पुलिस ने सच में सीरियसली मेरे मैटर को कॉग्निजेंस दिया है और मेरे FIR को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस दिन लिया भी. तो मुझे ये तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि मेरे FIR पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है. और उसका हम कुछ रिजल्ट तो देखेंगे ज़रूर. सो जस्ट वॉन्ट टू नो, आपकी जो FIR हुई है वो आपने FIR क्या क्या सेक्शंस लगाए हो और क्या क्या एलिगेशंस पर आपने FIR? ये सारी चीज़ें इसमें हैं, आप इसमें से ले सकते हैं. मुझे एक्चुअली ये लीगल चीज़ें उतना पता नहीं है, मेरे एडवोकेट ने मुझे यू नो ये ओके. सो दिस इज 504, 506, 9 and 500 डेफिनेटली. तो मेरी लीगल टीम ने मुझे सपोर्ट किया था, मिस्टर एडवोकेट मिस्टर नितिन सातपुते और उनकी पूरी लीगल टीम मेरे साथ थी पुलिस स्टेशन में. तो उन्होंने ही सारा सब कुछ डिटेल में सब कुछ, तो इट वाज गुड. मैं गई थी स्टेशन टू सिट इन फ्रंट ऑफ द PIN टू कंप्लीट द फॉर्मल प्रोसीजर. तो ये सब हो चुका है. हमने जो प्रॉमिस किया था कि मैं FIR करूँगी वो मैं कर चुकी हूँ. मैं मीनू मैं जो बोलती हूँ मैं वो करती हूँ, या फिर मैं करने वाली हूँ या फिर मैंने कर लिया है, तो कोई डाउट नहीं है. और मुझे यकीन है कि पुलिस भी इस मैटर को सीरियसली ले रही है. दे आर टेकिंग इट सीरियसली एंड दे आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन. रेपरकशंस तो ज़रूर होंगे, नो डाउट अबाउट इट. राखी ने जो किया है, राखी का समय आ गया है जब उसकी कई करतूतों पर उसकी जवाबदेही का, जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है. उसने जितने हल्के में लिया है ना, दूसरे की ज़िंदगी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. आप अपनी ज़िंदगी को हल्के में लो, आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दो, आप अपना कुछ भी आप अपने साथ कर लो, कोई किसी को नहीं पड़ी है. लेकिन आप दूसरे के साथ वैसा मत करो. तो दूसरे की ज़िंदगी को वो हल्के से लेकर दूसरे को डैमेज करती है, इतनी गंदगी मचाती है. तो एक ना एक दिन तो आना ही था कि जब लोग बोलेंगे ना इनफ इज़ इनफ. करेक्ट. सो आपने जिस तरह अभी मेंशन किया, आपने कुछ पेन ड्राइव में सबमिट किया, सो कैन यू प्लीज रिवील दैट व्हाट ऑल थिंग यू हैव सबमिटेड? वही उसके जो वीडियोस, उसने जो मेरे बारे में वीडियोस बनाए थे वही उसके प्रूफ है उसके अगेंस्ट. क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मेरे मामले में ऐसा नहीं कि किसी गली में जाके या किसी लोकेशन पे जाके होने वाली है. सारे तो प्रूफ उसके ही मुँह से बोले हुए हैं वीडियोस हैं जो सारा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है. उसको बस एक तरीका होता है, FIR करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो पब्लिक डोमेन में है तो पुलिस ऐसे तो पब्लिक डोमेन में जाके ऑनलाइन देख सकती है, लेकिन एविडेंस सबमिट करने के लिए एक तरीका होता है. मतलब आप उसको एक फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ता है. बट आफ्टर फाइलिंग FIR आपको 4-5 दिन हो चुके हैं सारे एविडेंस सबमिट करने के लिए, राइट? एंड क्या अभी तक का राखी का स्टेटमेंट लिया गया या कभी उनको डिटेन किया गया है पुलिस स्टेशन में? नहीं नहीं, लाइक आई सेड 15 दिन से भी कम हुए हैं, उसमें 10 दिन का तो त्यौहार आ गया. करेक्ट, राइट. तो आफ्टर सबमिटिंग ऑल योर एविडेंस, वो सारा सब कुछ दशहरे के बाद वाले दिन हुआ, कंप्लीट हुआ. ओके. उसके पहले कुछ गया था, फिर थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हुआ था, फिर त्यौहार में बिजी थे कुछ आध दिन, बीच में PI वाज अनवेल. वो सब करते करते दशहरे के बाद वाले दिन हमारा सारा कंप्लीट सबमिशन हुआ. ये FIR वगैरह की प्रक्रिया ऐसी ही होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप FIR करें इमिजिएटली तुरंत. वो प्रोसेस फॉलो करते करते कुछ आध दिन निकल जाते हैं. जयश्री राजश्री का तो अभी ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया. राइट राइट राइट. एक्शन लेगी पुलिस, डजेंट मैटर द टाइम, बिकॉज पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत केसेस होते हैं. आप सोच सकते हैं कितने मैटर्स उनके पास जाते हैं.
यस ऑल्सो ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने FIR जो भी किए है वो नॉन वेरिएबल ऑफेंसेस है, राइट? हाँ, कुछ तो धाराएं नॉन अवेलेबल हैं। ऑल्सो जब हमने लीगल टीम से, आदिल की लीगल टीम से बात करने की कोशिश करी, तब उन्होंने कहा कि वो इतने अगर नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगे हुए हैं सो वो बाहर ऐसे कैसे घूम सकती है, मतलब चार चार अगर FIR हुई है सो पुलिस शुड टेक एक्शन, और वो लोग सोच रहे हैं कि वो तड़ी पार करवाने की। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, जब तक पुलिस अरेस्ट नहीं करती तो हर किसी को खुले घूमने का हक है। हाँ, अगर आप साइकोलॉजिकल तरीके से ले तो शायद उसके मन में डर तो ज़रूर होगा, उसको पता है कि FIR हो चुकी है, जिस दिन हुई उसी दिन उसको पता चल गया था, हम चारों का एक एक करके हुआ। अब वो खुले में इसलिए घूम रही है शायद बिकॉज उसको लग रहा है कि थोड़ी खुली हवा खा लेते हैं, क्या पता कल खुली हवा में घूमने का मौका मिले ना मिले, यू नो। करेक्ट, राइट, राइट। ओके सर, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, एक और बार लेते हैं, लाफिंग टू वियर्ड। ओके, वो शायद खुली हवा में इसलिए घूम रही है क्योंकि उनको लग रहा हो क्या पता कल जेल हो जाए और खुले घूमने का मौका ना मिले। तो खुले घूमने का तो हर इंसान को संविधान ने हक दिया है, तो कब तक खुले घूमेंगे वो सवाल है। हमने FIR कर दिया है, आदिल का भी हो चुका है, राशि का भी हो चुका है, और शर्लिन का तो है ही पहले से, उन्होंने कंप्लेंट वापस नहीं ली है। तो खुले घूमे खुले जब तक की फ्रीडम है। सो वॉट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, यू नो, अगर इफ मुंबई पुलिस थोड़ा सा देरी भी कर रही है, यू नो, डिले भी हो रहा है फेस्टिवल्स की वजह से, चलो फेस्टिवल्स अग्रीड, बट इफ इन केस और भी अगर डिले किया जा रहा है इतने प्रूफ सबमिट करने के बाद, देन वॉट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? देखिए, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती। और दूसरी चीज़, हर लीगल प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको हम पुश तो नहीं कर सकते। हमने अपनी तरफ से, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने FIR दर्ज करवा दी है। मुझे 4 घंटे लगे पुलिस स्टेशन में बैठ कर, इवन दो इट वॉज़ अ वेरी सिंपल मैटर, कुछ इंसिडेंट एक्सप्लेन नहीं करना था, सिर्फ वीडियोज़ के बेसिस पे FIR हुई है और सारे प्रूफ हैं, फिर भी ये लीगल प्रोसीजर्स ऐसे ही टाइम लेते हैं। तो अगर वो टाइम लेंगे, हालांकि अभी तो देयर इज़ नो नीड टू टेक टाइम, सब कुछ सबमिट हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस पर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और एक्शन ले, और देखते हैं ना, मैं पहले से नेगेटिव नहीं होना चाहती, मैं देखती हूँ वो क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना अगला कदम डिसाइड करेंगे। एक तो बात है कि चार चार FIR है रखी के ऊपर। तनुश्री, यू नो, जब आप आई थी आदिल के साथ, जब जुड़ी थी, तो बैक टू बैक राखी की तरफ से वही पॉइंटर्स, यू नो, आना शुरू हो गए थे आपके ऊपर, पॉइंट आउट करना और वापस से वही लाइव वीडियो पर आकर आपके बारे में अगेंस्ट बोलना। तो इसके ऊपर भी क्या आपने कुछ रेज किया है या आपने भी उनको वही जवाब दिया है? मैंने एक्चुअली राखी के वीडियोज़ पूरे पूरे देखे ही नहीं, मैंने राखी के वीडियोज़ मैं कभी भी नहीं देखती हूँ। एक्चुअली 2018 में जो उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी, वो पूरे पूरे वीडियोज़ मैंने अब जाके देखे हैं। यू नो, मैंने अब जाके देखे कि उसमें एक्चुअली उसने क्या क्या बोला है, इतना वो किया है डिटेल में, तो मैं उसको इग्नोर ही करती हूँ, बिकॉज वो ना उसकी बातें सुनकर मुझे अपना मूड स्पॉइल नहीं करना है, मुझे अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, बिकॉज शी इज़ डूइंग इट ओनली टू कि सामने वाले का दिमाग ख़राब हो, सामने वाले को ट्रिगर करने के लिए, सामने वाले को हर्ट करने के लिए, हिटिंग बिलो द बेल्ट, कुछ गंदा बोलो, कुछ खटियापन करो, गंदगी करो। तो जब पता है कि सामने वाला इंसान वैसा है तो मैं सुनूँ भी क्यों उसका? मैं अच्छी चीज़ें सुनती हूँ। अगर मुझे पता है कि उसका इंटेंशन ये है कि मुझे डिस्टर्ब करना, मुझे हिट करना, मुझे इंसल्ट करना, मुझे नहीं लेना उसका इंसल्ट, सुनना ही नहीं मुझे उसकी बात। ऐसा तो नहीं कि पब्लिक उसकी बात सब मान रही है। आज की डेट में तो राखी झूठी प्रूव हो चुकी है पूरे इंडिया के सामने कि वो झूठी है, शी इज़ अ पैथोलॉजिकल लायर, वो कुछ भी बोल सकती है पब्लिसिटी के लिए, कुछ भी बोल सकती है, गुस्से में उसका दिमाग ख़राब है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो ये तो अब उसका कैरेक्टर प्रूव हो चुका है, वाई शुड आई लेट हर बॉदर मी विथ हर वर्ड्स? शी वुड लव इट, आई वुड नॉट वॉन्ट टू गिव हर दैट प्लेजर। एक बार हो चुकी हूँ डिस्टर्ब। यस यस, बहुत, यू नो, यही डिस्टर्ब से यही मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी था आपको, यू नो, जब वो टाइम पे आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया गया कि आपने अपने करियर पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। नहीं, राखी की वजह से नहीं। ओके, नहीं, राखी का मेरे करियर से
कोई कनेक्शन नहीं है. हाँ, उस वो जो करती है गंदगी, उसकी वजह से एक लेवल पे इंसान डिस्टर्ब तो होता ही है, और हो सकता है कि एक लेवल पे करियर पे भी इफेक्ट पड़ता ही है. लेकिन मैं अपने पूरे करियर का सॉरी एक लेवल पे इंसान डिस्टर्ब तो होता ही है, एक लेवल पे इंसान पर ज़रूर अफेक्ट भी होता है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन पर अगर अफेक्ट हुआ है तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसका असर आपके करियर पे, वर्क पे हुआ ही है. बट आई वुड नॉट से कि एक अम्ब्रेला इफेक्ट, मतलब मैं अपना पूरा 13 साल उस पे ऊपर बिल नहीं फाड़ूंगी. मेन मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था नाना पाटेकर के साथ 2008 में, दैट वॉज द मूल जड़ ऑफ वाई आई स्टेड अवे, बिकॉज मेरा साइकी इतना डैमेज हो गया था, इतना मैं डिस्टर्ब हो गई थी और इतना शॉक्ड हो गई थी कि ऐसे भी लोग हैं जो मेरे जैसी बंदी जो इतना सुकून से रहती, सुकून से काम करती है. आई एम द मोस्ट ड्रामा फ्री चिल्ड आउट रिलैक्स पर्सन टू नो इन पर्सन ऑल्सो एंड प्रोफेशनली ऑल्सो. तो मेरे जैसे इंसान को अगर इतना कोई डिस्टर्ब करके, मैं खुद ही दूर हटती चीज़ों से. तो दैट वॉज द मेन रीज़न दैट मेरा ना ऑन एंड ऑफ हमेशा रहा है. कभी प्रोजेक्ट्स कंसिडर करती हूँ, कभी फिर मेरा माइंड चेंज हो जाता है, कभी आई एम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग इट, फिर मेरे को लगता है नहीं यार, क्योंकि वो इंसिडेंट खराब हो जाता है ना. तो आपकी एक मेरे माइंड में इंडस्ट्री की छवि खराब हो गई थी. हालांकि मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, और एक अंदर से एक ना चोट लगती है ना, तो आप अंदर से कुटव हो जाते हो. अंदर से डर बैठ जाता है, कभी वहम बैठ जाता है, कभी आपको दुख हो जाता है. एंड आई एम सेंसिटिव. इंसान जितना अच्छा होता है, जितना साफ सुथरा होता है, जितना सेंसिटिव होता है ना, वो चीज़ों को उतना ही गहराई में पकड़ के बैठता है. राइट. एंड यू कांट हेल्प इट. मतलब ऐसा नहीं कि मैं सोचती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ होगा, नहीं ऐसा नहीं. इट्स अ वेरी इंटरनल फीलिंग वाला प्रोसेस. कोई अब मुझे बोले कि आप फलाना, हम टिकट देते हैं आप फलाना मंदिर में साधना करके आओ, कैसे कूद कूद के मैं जाऊँगी, यू नो. तब मुझे ना नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना कुछ. हाँ चलो चलो चलो, अकेले चले जाऊँगी, यू नो. लेकिन कोई मुझे बोलता था ना कि अच्छा फिल्म, तो मेरा रिएक्शन था हाँ ठीक है. मतलब घर आई लक्ष्मी को मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन मैं दिल से मेरे वो एक्साइटमेंट नहीं आता था यार फिल्म मिल रही यार ये, क्योंकि मैं खुद ही मना कर करके पिछले 13 साल में इतने मैंने खुद ही मना कर दिया ना. तो मेरे लिए चीज़ों को मना करना या एक्सेप्ट करना एक ही बात थी. पैशन चला गया था, लेट्स से दैट. राइट. मेरा पैशन चला गया था, जो मैंने पैशन को अपने अध्यात्म में पूरा डाल दिया था. करेक्ट. यहाँ पर मेरा पैशन, मेरा इन्वॉल्वमेंट, मेरा टाइम, मेरी इमोशन, सब कुछ यहाँ मैं कर रही थी. तो मैं राखी को उसका उतना शेयर नहीं दूंगी. राखी वॉज अ न्यूसेंस बेसिकली. राखी इज अ न्यूसेंस. वो उतनी पावरफुल नहीं है कि किसी की जिंदगी की दिशा बदल दे, क्योंकि सारा सब कुछ तो मैं 2010 में ही छोड़ चुकी थी. राइट. गंदगी राखी ने मेरे साथ 2018 में, हाँ जब मीटू मूवमेंट फिर से हुआ, फिर से वो मुद्दा निकला, तब राखी कूद पड़ी बीच में और उसने पैसे लेकर ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गंद मचाया. नाना पाटेकर और सारे मीटू अक्यूज को संत दिखाने की कोशिश की और मुझे एकदम विलन. और मुझे विलन दिखा कैसे दिखाओगे आप विलन? मैं तो, मेरा तो कुछ है ही नहीं नेगेटिव. तो आप मेरे बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाओगे, गलत गलत इल्ज़ाम लगाओगे, गंदी गंदी बातें करोगे कि ये ऐसी है वैसी है, ऐसी है वैसी है, पर्सनल प्रोफेशनल सारी चीज़ों में मैं मतलब खराब ही खराब हूँ. तो उसने मेरी छवि को, मेरी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सो दैट नाना पाटेकर और ये जिनके ऊपर मीटू के एलिगेशन लगे थे वो बच के निकल जाए. पब्लिक का परसेप्शन आप चेंज कर दोगे ना, कोई जो खड़ी है मुद्दे को लेकर, आप उसी को बच्चलन प्रूफ कर दो. बराबर. उसी को आप ये प्रूफ कर दो कि ये तो मतलब सबसे खराब खराब चीज़ है, आप बोल दो कुछ भी, यू नो. तो फिर पब्लिक को भी, पुलिस भी तो एक इंसान है ना, पुलिस का भी परसेप्शन होता है, कोर्ट कचहरी वैसे भी लोग हैं, उनका भी परसेप्शन होता है. तो राखी ने वो ईवल काम किया, वो शैतानी दिमाग है उसका, और बेसिकली कुछ भी कर सकती है. तो उसने मुझे साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब किया. इतनी गंदगी जब इंसान किसी शरीफ इंसान के साथ कर देता है ना, इट्स टू मच. करेक्ट. सर लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स का क्या कहना चाहते? फैंस एंड व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि मेरे फैंस एंड व्यूअर्स बहुत अच्छा है, पता है. उन्होंने 13 साल में उन्होंने मुझे नहीं भुलाया, और ना ही उन्होंने इंडस्ट्री को मुझे भूलने दिया. ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने 5 सालों में, मैंने 5 साल ही काम किए. मैं 19 से 20 की थी और 25 तक मैं इंडस्ट्री भी छोड़ चुकी थी, यू नो. और 24 साल की उम्र में ये मेरा 2008 में नाना पाटेकर के साथ हॉर्न ओके प्लीज़ वाला इंसिडेंट हुआ था. एंड देन बाई 25 आई हैड टेकन संन्यास. आध्यात्म में मैं
ब्रोकर मैंने बदल लिया, हाँ बदल लिया था. तो माई फैंस स्टिल केप्ट मी अलाइव इन द मीडिया. मेरे सोशल मीडिया पे मेरा जो भी इंटरेक्शन होता है उससे ऐसा लगता है कि जैसे पब्लिक को ये 13 साल महसूस ही नहीं हुआ है, उनके लिए 13 साल मायने ही नहीं रखता है, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी. इवन व्हेन आई एम नाउ गोइंग बैक ऑन सेट मीटिंग पीपल, इंडस्ट्री के लोगों से मैं मेरा मिलना जुलना लगा रहता है पिछले 13 साल में. ऐसे मैं बिल्कुल मैंने कट ऑफ नहीं किया था, मैं बस स्क्रीन के सामने नहीं आ रही थी. वरना मेरे फ्रेंड्स हैं, जान पहचान कोलीग्स वगैरह यहाँ वहाँ मिल जाते हैं सोशल सर्कल में. बॉम्बे में आप रहते हो तो मीट पीपल. करेक्ट. किसी को भी मुझे लगता है कि दे डोंट रियलाइज कि मैंने 13 साल बीते हैं, मेरी एक अलग ज़िंदगी थी, मेरे अलग ज़िंदगी में अलग किरदार भी आए, यू नो, अलग अलग किरदार आए, अलग अलग लोग मेरे लाइफ में आए, वो भी गए और नए लोग आए, यू नो. 13 साल कम नहीं है. पीपल यहाँ पे जो पीपल है ना, दे जस्ट फील, हाँ वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, अब वापस आ गई है. मेरी एक पूरी ज़िंदगी मैंने जी 13 साल में, मेरी दिशा ही अलग थी. तो थोड़ा सा मुझे वक्त लग रहा है वापस अपने माइंड सेट को उस तरीके से सोचने में. जैसे मैंने बाल काले काले कर लिए थे, मैंने यू नो थोड़ा सा डार्क हेयर अपना रखा था, और मैं हमेशा ऐसे ब्लॉन्ड अपने हेयर रखती हूँ. तो म्यूज़िक वीडियो के पहले पता नहीं मेरे माइंड में आया कि मैं अपने हेयर को थोड़ा और ग्लैमरस करूँ, क्योंकि मैं मंदिर मंदिर जाके साधना करती हूँ, हाँ. गुरुजनों से मिलती हूँ, संतों से मिलती हूँ, तो ये क्या ग्लैमर फैशन, यू नो. मेरे सीधे साधे कॉटन के कपड़े होते हैं, काले काले बाल, एकदम जूड़ा चोटी करके, एकदम इंडियन लुक. क्योंकि आप उन जगहों पे जा रहे हैं, आप जैसे लोगों से मिल रहे हो, तो आपको वो वेशभूषा आपको करनी पड़ेगी. और यू डोंट वांट अटेंशन ऑन योर सेल्फ लुकिंग लाइक अ स्टार, साधना कर रहे हो मंदिर में. तो सब कुछ मेरा बदल चुका था, जो अब बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस फ्रेंडली जेस्चर फॉर यू नो आदिल एंड सैफ, और कैजुअली बात निकली, और कैजुअली में मैं हाँ हाँ करके मैं कहाँ भी शूट हो गया. लेकिन मैंने तैयारी करी, मैंने अपने हेयर को थोड़ा ग्लैमरस किया, मैंने अपने लुक पे थोड़ा ध्यान दिया, वो सब. तो मुझे वापस याद आने लगी चीज़ें कि हाँ, ये तो मेरा पैशन हुआ करता था, आई यूज़ टू लाइक दिस, ये मेरी दुनिया थी, मेरा मेरा मेरी ज़िंदगी थी ये डेली, यू नो. एंड हम काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि एज अ सेलिब्रिटी फिल्म आप नहीं भी करो ना, पैसे कमाने के बहुत एवेन्यूज होते हैं. करेक्ट. ब्रांड्स, इवेंट्स और बाकी सारी चीज़ें. और मैंने अपना तो फॉर्चून उस वक्त भी फिल्में वगैरह करके मैंने अपना कर लिया था, बट पैशन भूल गई थी मैं कि मुझे अच्छा लगता है ये. सो कल मुझे थोड़ा सा याद आ गया अचानक से, और ये भी याद आया कि या इट्स नॉट बैड, यू नो, अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो जो थोड़ा संयम से आप बिहेव करते हैं, ऐसा अच्छे हैं, डिसेंट हैं, तो इट्स नॉट अ बैड स्पेस टू बी इन, यू नो. मेरे साथ कुछ एक आध गलत एक्सपीरियंसेस हो गए सेट पे, जिसकी वजह से मेरा फोबिया मेरे को हो गया था. फोबिया गया तो फिर अमेरिका शिफ्ट हो गई थी. ज़िंदगी ने ऐसा लीला रची कि जब 2018 के बाद फोबिया मेरा चला गया, लेकिन 2018 में मैं ग्रीन कार्ड होल्डर बन चुकी थी. 2016 में मुझे ग्रीन कार्ड अप्रूवल हुआ, मैं ग्रीन कार्ड लेकर ही इंडिया आई थी मीटू मूवमेंट के पहले. लोग कहते हैं ना मीटू मूवमेंट कर रही है ग्रीन कार्ड के लिए, नहीं, मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड था. मेरा 2016 में आई वॉज अप्रूव्ड फॉर अ ग्रीन कार्ड. और पब्लिक को ये जानना ज़रूरी है कि ग्रीन कार्ड के लिए ये सब करना नहीं पड़ता. मैं एक मिस इंडिया यूनिवर्स हूँ, मेरा प्रोफाइल इतना प्रोलिफिक है, इतना मतलब प्रॉपर है, कि US ग्रीन कार्ड के लिए 3-4 कैटेगरीज होते हैं. उसमें से एक कैटेगरी है जिसमें अगर आप अपने कंट्री के फेमस पर्सन हैं, या फिर आपने मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स जैसे ब्यूटी पेजेंट जीते हैं, या फिर आपने अपना मीडिया कुछ प्रोफाइल है, तो वो आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्रूव कर देंगे. आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं. लॉयर हायर किया मैंने, मैंने कैलिफोर्निया के बेस्ट लॉयर को हायर किया, जो US के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स हैं. उनका काम ही है ग्रीन कार्ड और ये सिटीजनशिप वगैरह करवाना. और उन्होंने मेरे केस को रिव्यू किया पहले, और उन्होंने मेरे को बोला कि आप तो स्टार क्लाइंट हैं, आपका केस इतना इजी है कि उसमें 93% सक्सेस रेट है, 99% सॉरी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था. तो उन्होंने मेरा मैटर, मेरा केस देखा, मेरी एप्लीकेशन, मैंने उनसे बात करी, दे अप्रूव मी, दे सेड हम आपका केस ले सकते हैं. मैंने उनकी फ़ीस भरी, मैंने उनके प्रोसीजर को फॉलो किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो 1.5 साल वो प्रक्रिया टाइम लगा. ये एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है. मीटू के टाइम पे कितने लोगों ने क्या एलिगेशन लगाए थे, ये सब कर रही है सिटीजन ये ग्रीन कार्ड के लिए, ऐसा नहीं होता है. इस US वहाँ पे सारी चीज़ें तरीके से होती है.
सारी चीज़ों के लिए एक ऑफिस होता है और ये इमिग्रेशन लॉयर्स ये सारी चीज़ें करते हैं. आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट अप्रूव होते हैं, उनके बेसिस पे आपको दूसरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, वो अप्रूव होते हैं. अप्रूवल सबमिशन करते करते एक साल का एक पूरा प्रोसीजर होता है, फिर वेटिंग पीरियड होता है 6 मंथ्स का. एंड देन माई ग्रीन कार्ड केम. मेरी कैटेगरी में 1 साल या 1.5 साल के अंदर ग्रीन कार्ड आ जाता है. जो ये वही हुआ 2016 में मैंने सारा सब डाला एंड एंड 2018 की फरवरी में मेरे हाथ में मेरा ग्रीन कार्ड आ गया था. फिर मैंने इंडिया आने की सोची. उसके पहले तो मैं आ भी नहीं सकती थी ये सब छोड़ के. तो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी थी. तो फिर मुझे लगा कि मुझे ग्रीन कार्ड इत्यादि ये जो प्रोसेस था, सबसे अच्छे लॉयर को हायर करना, इतना टाइम देना, वहाँ रहना, वहाँ पे सब खर्चे वर्चे मैंने किए, तो वाई शुड आई लेट इट गो. करेक्ट. तो मैं तो बस छुट्टियां मनाने के लिए आई थी 2018 में और कुछ मेरा पर्सनल मुद्दा था. तो मुझे तो वापस जाना ही था ना. सो दैट्स व्हाई आई वेंट बैक इन 2019. यहाँ पे 6 मंथ्स बिताने के बाद लोग कुछ भी बोलते हैं और राखी भी कुछ भी बोलती है. राखी ने भी वीडियोस में बहुत अनशन बोला मेरे US लाइफ को लेकर. ऐसा नहीं होता है. राखी को बैन किया गया US से. उसने वर्क वीज़ा में जाकर वहाँ पे कुछ गड़बड़ करी थी, इलीगल कुछ उसने किया था वहाँ पे. आप एक वीज़ा लेके जा रहे हो, कर रहे हो कुछ और, ऐसा नहीं अलाउड नहीं है. करेक्ट. ओनली अ ग्रीन कार्ड होल्डर जैसे कि मैं हूँ या फिर सिटीजन, हमको ही परमिशन है कि हमारा वीज़ा नहीं लगता. वी आर परमानेंट रेसिडेंट्स. ग्रीन कार्ड मतलब परमानेंट रेसिडेंसी एंड आई एम एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप. मेरे पास वो आई हैव ऑल द राइट्स इन US एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स जो सिटीजन्स को पासपोर्ट होल्डर्स को मिलती है. मैं अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सिटीजनशिप अप्लाई नहीं की है. आई एम हैप्पी विद द ग्रीन कार्ड क्योंकि ग्रीन कार्ड में मुझे फ्रीडम है कि मैं वहाँ रहूँ यहाँ रहूँ, थोड़ा सा मुझे मेंटेन करना पड़ता है. तो दैट्स व्हाट इट इज़. तो दैट इज़ व्हाई मैं आती जाती रहती हूँ. तो मैं आती जाती थी इसलिए मैं प्रोजेक्ट्स ले नहीं पा रही थी. अब मैं हूँ यहाँ पे लंबे समय के लिए. सो नाउ आई कैन. अब मैं जाऊँगी भी तो एक आध महीने के लिए, थोड़ा कुछ काम है मेरा वो करके मैं वापस आ जाऊँगी. सो लोग समझते नहीं हैं, गांव वाले ना कुछ नहीं समझते हैं. तो गांव वाली वाली मेंटालिटी है कुछ लोगों की, हाँ ऐसा होगा, ऐसा ड्रामा. ऐसा नहीं होता है. US इज़ US. सारी चीज़ें यू कॉन्ट ब्रेक द लॉ. अगर आपने एक गड़बड़ करी ना, आप बैन हो जाओगे परमानेंटली. जैसे राखी सावंत हो गई है. एक शो के लिए कौन से तो भी साल में गई थी, उसको एक इवेंट का किसी चीज़ की परमिशन मिली थी और कर कुछ और रही थी उसके बाद. तो वो पकड़ लिया उन लोगों ने, इमिग्रेशन वालों ने. दे बैंड हर फॉर लाइफ. शी इज़ बैंड फ्रॉम द US. तो उसकी भी उसको जलसी है मेरे से. ओह अच्छा. कि मैं तो ग्रीन कार्ड होल्डर बन गई हूँ, अब मैं US कभी भी आ जा सकती हूँ. अगर मुझे वहाँ पे कोई काम लेना है, कोई इवेंट लेना है, कोई फिल्म शूट करनी है, मेरा वीज़ा नहीं लगेगा. मैं सिर्फ ग्रीन कार्ड दिखाऊंगी, मुझे एंट्री हो जाएगी. कार्ड भी दिखाने की ज़रूरत नहीं. मैं अपना नाम बोलूँगी, अपना अंगूठा, अपना आई स्कैन करूँगी, आई विल बी एंटर्ड एंड आई कैन डू वट एवर वर्क. मैं 5 जॉब्स ले सकती हूँ वहाँ पे. 5 जॉब, एक फिल्म, एक प्रोजेक्ट, कुछ भी कर सकती हूँ मैं वहाँ पे, एक्सेप्ट एनी क्राइम, यू नो. तो राखी ने वहाँ पे जाके जो किया ना, इट इज़ कंसिडर्ड अ क्राइम. यू कॉन्ट ब्रेक द लॉ. करेक्ट. राइट. तो मुझे फुल फ्रीडम है US में आने की, जाने की, काम करने की, एवरीथिंग. तो शी इज़ जेलस ऑफ दैट. उसको लगता है उसको तो बैन ही हो गई है. और आई एम अ परमानेंट रेसिडेंट. नेक्स्ट अगर मैं चाहूँ तो मैं सिटीजनशिप ले सकती हूँ, बट मुझे इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा. वो मैं नहीं करना चाहती. मैं अपनी रूट्स को थोड़ा सा पकड़ के रखना चाहती हूँ. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न. तो मैं अगर आ रही हूँ यहाँ पे, मेरा घर है यहाँ पे, मेरे पेरेंट्स हैं यहाँ पे और मेरे मंदिर हैं यहाँ पे. मैं 12-13 साल से साधना में हूँ. तो आप समझ सकते हैं कि US में वो चीज़ मुझे नहीं मिलती है जो यहाँ पे मुझे मिलती है. राइट. वहाँ पे चर्चेस बहुत हैं. तो मैंने ईसाई धर्म की वहाँ पे ट्रेनिंग वेनिंग सब ले ली. वो सब मैंने देख लिया, सीख लिया. मंदिर भी है, लेकिन यहाँ के जो जागृत मंदिर है, 1000 साल पुराने, 2000 साल पुराने, ऐसे ऐसे चमत्कारी मंदिर की मतलब तहलका है यहाँ पे. तो ये छोड़ के यू नो, तो मैंने मेंटेन किया हुआ है दोनों चीज़ें. तो राखी कुछ भी सेटमेंट करती हैं. मुझे वहाँ पर कुछ भी, मैं जॉब ले सकती हूँ. इतने पैसे हैं ना वहाँ पे. इट्स वेल पेड जॉब. मुझे एक मिल भी रहा था एंड उस वक्त बॉलीवुड से मुझे ऑफर्स आ रहे थे, इसलिए आई हैड टू आई लेफ्ट दैट बिकॉज और ट्रेनिंग में भी टाइम लग रहा था. एंड आई थॉट कि देख लेती हूँ ना, एक्टिंग का मेरा
वो तो मैं कभी भी कर सकती हूँ. एंड पेंडेमिक भी हुआ, थोड़ी सी मुझे भी लग रहा था फैमिली से मिल लेती हूँ, पता नहीं ना कल कैसा क्या है. द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर मी, आई एम एन अकम्प्लिश्ड पर्सन. राखी ये नहीं समझती है कि वो किससे बात कर रही है, बिकॉज शी इज़ राखी, शी इज़ राखी एंड शी इज़ थड़क छाप. उसके कोई अचीवमेंट्स नहीं है. म्यूजिक उसका टैलेंट था, डांसिंग वगैरह, जो उसने वेस्ट कर दिया कंट्रोवर्सीज कर करके. अब वो सिर्फ सड़क पे दिखती है, यूट्यूब में फालतूगिरी करती है, ड्रामा करती है. उसका जो मेन टैलेंट था डांसिंग का, अगर वो सिर्फ उस पर फोकस करती ना तो आज इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक तो था ना उसमें टैलेंट, जिसकी वजह से उसका पहला इनिशियल नाम हुआ. उसके बाद उसने अपने आप को वेस्ट कर दिया, शादियाँ, मल्टीपल शादियाँ, ये ड्रामा वो ड्रामा, इसको जेल भेज रही, उसको नॉनसेंस किया उसने. और मैंने कुछ नॉनसेंस नहीं किया. मेरा मॉडलिंग से मिस इंडिया से एक्टिंग, एक्टिंग भी मैंने जब करी तो 5 साल झाड़ के मैंने काम किया. कोई नखरे नहीं, कोई टेंट्रम कुछ नहीं. ये नाना पाटेकर, इनकी फितरत है, जो लड़की शरीफ होती है इनके इशारों पे नहीं बेंड होती, इनकी हरकतों से उसको अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में अनशन फैला देंगे. तो यही सारी गंदगी की वजह से मैं थोड़ा अलग हो गई. राखी सावंत जैसी लड़कियाँ आ जाती है बीच में, यू नो, शीमेल हीमेल जो भी है वो, गंदगी मचाने के लिए. तो इन्होंने ना मुझे अपने कंट्रोवर्सी में ड्रैग कर दिया, नाना पाटेकर, राखी सावंत. मैं एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आर्टिस्ट थी, जो मुझे बस चुपचाप मैं सेट पे जाती थी, अपना काम करती थी, पैकअप करके आती थी. मुझे कोई किसी, मेरे कभी लिंकअप्स नहीं आए, मेरे कभी कंट्रोवर्सीज नहीं आए, मेरे कभी इससे झगड़ा उससे झगड़ा, मुझे कुछ नहीं. मेरे को इतना काम मिलता था ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था ये सब करने का. तो जिस दिन मैंने छोड़ा, मैंने उसको प्रॉपरली छोड़ा और आध्यात्म में घुसी, तो उसको मैंने प्रॉपरली किया. मैं जो करती हूँ ना, उस पर पूरा मन दिल दिमाग लगा के एकदम पूरा फोकस से मैं करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे प्रोग्रेस हुई. लकीली वहाँ पे राखी सावंत जैसे लोग नहीं हैं, नाना पाटेकर जैसे लोग मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिले, यू नो. और उस फिल्म में कैसे पॉलिटिक्स भी नहीं है, नेपोटिज्म भी नहीं है. हमारे अध्यात्म का जो फील्ड मेरा पिछले 13 साल से चल रहा है, उसमें क्या है कि आप कितने भी आगे बढ़ सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता. कोई नाना पाटेकर आकर आपको परेशान करके, आपको साइकोलॉजिकल डैमेज करके, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रोक नहीं सकता. हमारे बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे हैं, आप में टैलेंट है, आप बहुत मेहनती हो, आप सिंसियर हो, आप मेहनत से ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन किसी न किसी को आपको आपसे दिक्कत हो जाएगी, किसी कमीने इंसान से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि साफ सुथरी है. और वो चाहते हैं कि सारी इनकी आइटम्स बन के रहे. वो मैं नहीं बनना चाहती थी किसी की आइटम. मेरा सिंपल फंडा था, मेरे में टैलेंट है, मैं मिस इंडिया हूँ, मुझे मौका मिला उसकी तरीके से. मैं किसी का नहीं खाती, मैं अपना कमा के मैं अपना कर रही हूँ. मैं आई एम गुड. और मेरा ऐसा भी नहीं था कि मुझे टॉप एक्ट्रेस बनना है. मैं जो कर रही थी मैं उस पर खुश थी और मुझे आ रहा था बहुत. तो अगर मैं वैसी हूँ, अगर मेरे को नहीं चाहिए कि मैं किसी से चिपकूँ किसी से कुछ, तो ज़बरदस्ती तो करनी नहीं चाहिए. तो ये लोग कैसे, उनका ईगो हर्ट हो जाता, फिर आपको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, आपके बारे में उल्टा सुलटा बोलेंगे, आपका ये करेंगे वो करेंगे. तो उस वजह से मैंने फिर दूरी मेंटेन कर ली. लेकिन आध्यात्म की फील्ड में आप हो और भगवान है सिर्फ. अब आप उड़ो, कितना आपको ऊँची उड़ान भरनी है, और बेस्ट टू बेस्ट सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा आप कितनी ऊँची उड़ान भर रहे हो. हमारे आध्यात्म की, इट्स ऑल बिटवीन योर क्लोज्ड आइज. यही जीवन है, इट्स वेरी इंट्रोवर्टेड लाइफ. बट आप आंखें आपने बंद कर दी ना, तो ये सृष्टि डज नॉट एग्जिस्ट. फिर वो रियलिटी जो आध्यात्मिक रियलिटी है, स्पिरिचुअल रियलिटी, दैट इज़ व्हाट एग्जिस्ट. वहाँ पे कोई रावण आपको रोकने वाला नहीं है. थोड़े बहुत भूत प्रेत पिशाच शायद ट्रबल कर देंगे लास्ट के स्टेजेस में, जब आप सेंसिटिव, उनकी भी औकात नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट भगवान से जुड़े हैं. अब आप कितना ऊँचा जा सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे आता है, बहुत पसंद आई. क्योंकि यहाँ पे तो कदम कदम पे रोड़े लगाने वाले लोग हैं, जेलसी इतनी ज़्यादा है, एनवी इतनी ज़्यादा है. आपका कुछ अच्छा हो रहा है तो 4 लोग बीच में आके खोज के ख़राब करेंगे. आप आगे बढ़ रहे हैं तो 4 लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो. आप इतनी लड़ाई है ना अपने आप से नहीं, दुनिया से. इंसान अगर स्ट्रगल करता है आगे बढ़ने को, अगर कोई टैलेंट के लिए स्ट्रगल करता है, समझ में आता है. मेरे में टैलेंट भी था, सारी चीज़ें सब कुछ था, लेकिन लोग जो बढ़ने ही नहीं देंगे आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी गंदगी मचा देते हैं ना कि आपको लगता है कि यार रख, तू रख. मुझे सोना, और जब मैं आध्यात्म में घुसी ना, तो मुझे लगा कि मुझे सोने चांदी जवाहरात मिल गए.
तो मुझे कंकड़ पत्थरों के पीछे ना अपनी एनर्जी, अपना दिल, अपना इमोशन वेस्ट नहीं करना था। सुकून मुझे ख़त्म नहीं करना था। जब तक सुकून से थी तब तक मैंने काम किया। जब मेरा सुकून ख़राब होने लगा ना, मैंने बोला इट्स नॉट वर्थ इट। तो या फिर तो मैं वापस तब आऊँगी जब दुनिया की कोई शक्ति मुझे अपने सुकून से हिला नहीं पाएगी, और या फिर मैं थोड़ा अलग ही रहती हूँ। तो मैंने अपना अलग रुख किया। मैं वहाँ पे आगे मैंने बहुत तरक्की की, बहुत संतों से मिली, बहुत गुरुओं से मिली, सबसे सीखा, बहुत सारे रिलीजन्स मैंने सीखे जो सामने आया मेरे आध्यात्म के फील्ड में, जो चीज़ आई सबको ओपन माइंड से मैंने एक्सेप्ट किया, हर धर्म को एक्सेप्ट किया। और उस हर धर्म में मैंने गहराई में जाके स्टडीज़ की, साधना की, मतलब बहुत पैशनेटली मैंने उस चीज़ को फॉलो किया, मुझे रिजल्ट भी दिखा। तो आई डिड नॉट मिस दिस इंडस्ट्री एंड इट्स पीपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप उस जगह पे आप चले जाते हो ना, वैसे अलग अलग लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाता है, आपकी इंट्रैक्शन हो जाती है ना, तब आप जब मुड़ के देखते हो ना, तो या फिर तो मैं उस स्टेज का इंतज़ार कर रही थी जिस दिन मैं बिल्कुल ही समतल बुद्धि हो जाऊँगी, जहाँ पर मुझे दुनिया में कुछ भी बॉदर नहीं करेगा, सारे लोग मुझे समान दिखने लगेंगे, जो अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, या फिर आप यू नो, सो आई फील लाइक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी, बिकॉज अब मुझे, मैं राखी को भी देखती हूँ, मैं नाना पाटेकर को भी देखती हूँ, मैं बाकी सबको भी देखती हूँ, और मुझे ये पता है कि मैं डिस्टर्ब तभी होंगी अगर मैं चाहूँगी डिस्टर्ब होना, और अगर वो लोग मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करें ना, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब होकर मैं फिर वापस अपनी बैलेंस में आ जाती हूँ। तो मे बी दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर मी टू स्टार्ट making my way back in Bollywood. उस वक्त मैं उतनी strong नहीं थी, उस वक्त मैं काफ़ी disturbed थी। Okay, thank you so much and nice talking to you. Pleasure.